अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आइए, आज बार है, संडे है आज, और आज संडे का दिन आपको पहले दरगाह शरीफ ज़ियारत करवाएंगे और अंदर की मंजर आपको पहले दिखाएंगे और फिर आपको लेके चलेंगे दरगाह शरीफ की बाहर, बाहर का भी मंजर आपको दिखाएंगे। तो बना रहिए वीडियो पूरा, देखिए दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए और आज संडे का दिन माहौल कैसे हो भी आप लोग देख लीजिए जी। तो आइए फिर कैमरा घुमाते और कैसे हो, कहाँ से आप लोग? हैदराबाद से जी। तो माशाल्लाह भाई लोग हैदराबाद से आए हैं, कब आए आप लोग? सुबह आए। आज सुबह है जी। तो आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो माशाल्लाह, और कितना दिन से देख रहे हैं आप लोग? दो तीन साल से। माशाल्लाह, कैसे लगता है? ठीक है, बहुत दिन है। अच्छा, तो ये भाई मेरा सब्सक्राइबर हैदराबाद से है और हमारी वीडियो देखते घर बैठ के, और आज रूबारू मिला है शाहजहानी मस्जिद में। तो माशाल्लाह मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा है। इस तरह आप लोग प्यार और मोहब्बत करके आपके लिए इंतजार बैठ रहे हो। हाँ, तो माशाल्लाह खान साहब ने मिलवा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बच्चे भी बैठे जी, और इनके साथ पूरा फैमिली आपके है ना जी? तो माशाल्लाह पूरा फैमिली के साथ दरगाह शरीफ ज़ियारत के लिए आए हैं और अपना घर बैठ के अपना वीडियो द्वारा ज़ियारत भी करते हैं। तो चलिए कैमरा घुमाते और आगे का भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। बना रही है आप लोग वीडियो पूरा देखिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, माशी का नफाजा गरीब नमाज, आप सबको हुजूर गरीब नमाज के हाजिरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आइए आज संडे का दिन है, पहले आप दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए और दुआएं मांग लीजिए। ये देखिए बाबा के गुंबद दिखा रहा हूँ शाहजहानी से खड़ा होके, आप लोग दुआएं मांग लीजिए, ज़ियारत कीजिए और देख लीजिए आज संडे का दिन शाहजहानी मस्जिद के अंदर की मंजर कैसे आप लोग देख सकते हो। अभी सुबह 8:30 बज रहा है, सुबह 8:30 बजे का ये मंजर आप लोग देख सकते हो शाहजहानी मस्जिद में। और कल रात के यहाँ पर बारिश हुई थी, थोड़ा गर्मी कम हो गया इधर। और ये देखिए बाहर से आने जाने का आपको 10 नंबर गेट है, ये 10 नंबर गेट की मंजर आप लोग देख लीजिए जी। तो आज हमारी सब्सक्राइबर था जो इस मस्जिद में इंतज़ार कर रहा था, उन्होंने भी मिल गया हमारी से, तो इंशाल्लाह मुलाकात हो गया। तो आइए आप ये देख लीजिए अम्माजान के दरबार शरीफ, इधर से ज़ियारत कीजिए फिर आपको उधर भी ले चलेंगे पीछे की तरफ से। तो आज के मंजर कैसे देख लीजिए और ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। माशाल्लाह देख सकते हो भाई मेरा इशारा कर रहा है, ये सब मेरा जानने वाला है, इंशाल्लाह सब सपोर्ट करते हैं। ये अम्माजान के दरबार शरीफ है और आइए इधर से देख लीजिए बाबा फरसा को चिल्ला शरीफ। और ये देखिए कितना बड़ी चादर लेके जा रहा है, इस चादर शरीफ भी देख लीजिए और ये बाबा फरसा को चिल्ला शरीफ। चलिए आगे चलते हैं, आगे का भी मंजर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। बना रही है आप लोग वीडियो पूरा देखिए, दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए। ये देखिए कि बड़ी चादर लेके जा रहे हैं, माशाल्लाह देख सकते हो। और अभी आप ये देख लीजिए आस्था शरीफ के 4 नंबर गेट। ठीक है भाई, ये मेरा सब्सक्राइबर आप जो मिला है हैदराबाद से आए हुए, माशाल्लाह। ठीक है भाई, माशाल्लाह वीडियो को आगे तक शेयर करना, आइए सब साथ में। हाँ माशाल्लाह, ये सभी मेरा सब्सक्राइबर है जो हैदराबाद से आए हुए, आज ही आए ना जी। ये भाई लोग सारा माशाल्लाह बहुत सारा प्यार देते हैं। ठीक है भाई जान, तो ये देख लीजिए आस्था शरीफ को 4 नंबर गेट, इस गेट को भी ज़ियारत कीजिए और यहाँ के आज का मंजर कैसे देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, सबको मेरा चैनल बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए जन्नती दरवाज़ा है, आप लोग जन्नती दरवाज़ा को भी ज़ियारत कीजिए। आज दिन है संडे यानी रविवार है, रविवार का दिन मंजर भी देखिए और दरगाह शरीफ भी ज़ियारत कीजिए, माशाल्लाह आप देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, आगे का भी मंजर आप लोग देख लीजिए। माशाल्लाह सुबह 8:30 बज रहा है, कुछ ऊपर नीचे होगा टाइम ही, लेकिन 8:30 बजे है लगभग, 2-4-5 मिनट आगे पीछे होगा। ये सुबह 8:30 बजे का मंजर माशाल्लाह आप देख सकते हो, देख लीजिए। इधर ये देखिए आस्था शरीफ को 3 नंबर गेट जो आप अंदर जाते हैं VIP गेट है, इस गेट को भी आप लोग ज़ियारत कीजिए और यहाँ के मंजर भी आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। पायथी में भीड़ हो गया, ये पायथी में कव्वाली भी चल रहा है, देखिए कव्वाली का मंजर देख सकते हो इस तरह का कव्वाली चल रहा है। आइए अभी आप पायथी से आस्था शरीफ ज़ियारत कीजिए, जहाँ पर आप कदम उसी करते हैं ज़ियारत कीजिए पायथी से आस्था शरीफ, और देखिए आज की मंजर कैसे है।
चलिए आगे चलते हैं, आता इनसे भी आपको ज़ियारत करवाएंगे इस तरह से, इस तरह जूम करके। ये देखिए पायथी में अभी कव्वाली चल रहा है, पूरा पायथी का मंजर आप लोग देख लीजिए। ये देखिए पायथी का मंजर। आज दिन संडे है और कल रात को इधर बारिश हुई थी, तो बारिश होने के बाद थोड़ा सा गर्मी कम हो गया है, जो टेम्परेचर था थोड़ा नीचे आ गया, आज पारा नीचे आ गया, आज पारा हो गया 38 मैंने 38 डिग्री है, मैंने आज के पारा जो है 38 डिग्री है, यानी 38 डिग्री है आज का पारा, मतलब आज का जो टेम्परेचर है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आतायनूर की मंजर यहाँ से शुरू कीजिए, माशाल्लाह आतायनूर में दाखिल हो गया हूँ। आतायनूर का आप मंजर देख सकते हो, ये देखिए पूरी आतायनूर का मंजर आप लोग देख लीजिए, कहाँ पर कितना ज़ायरीन है, कैसे लोग इबादत कर रहे हैं आप लोग देख सकते हो। और आप भी ज़ियारत कीजिए हमारे वीडियो द्वारा, दुआएं मांग लीजिए। इस दरबार से दुआएं मांगने वाला कोई खाली नहीं जाता, माशाल्लाह देख सकते हो आप आज का आतायनूर का मंजर कैसा है। और अभी आइए आतायनूर से आस्था शरीफ भी ज़ियारत कीजिए, इस गेट से आप अंदर जाते हैं, ये आम गेट है, इसी गेट से कोई भी जा सकता है, किसी का कोई रोक टोक नहीं। तो आइए मैं हाथ उठा के क्लोजअप कर रहा हूँ वीडियो, आप लोग बाबा की आस्था शरीफ से दुआएं मांग लीजिए। ये देखिए माशाल्लाह आतायनूर की मंजर, देखिए किस तरह जारीन अंदर जा रहा है ज़ियारत के लिए। और आप भी हमारे वीडियो द्वारा ज़ियारत कीजिए, आज संडे का दिन है। चलिए बाहर चलते हैं, अभी भीड़ कम है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी आतायनूर में माशाल्लाह भीड़ कम देख सकते हो आप, पूरी आतायनूर का मंजर आप लोग देख लीजिए एक बार। ये पूरी आतायनूर की मंजर है, यहाँ से गुंबद देखिए। चलिए आप बाहर चलते हैं, ये देखिए बाहर की मंजर किस तरह जारीन अंदर आ रहा है ज़ियारत के लिए। और आप भी ज़ियारत कीजिए हमारे वीडियो द्वारा, ये देखिए। ये देखिए आमदन के दरबार शरीफ, इधर से ज़ियारत कीजिए, आपको आगे से ज़ियारत करवाते हुए लेके आया हूँ, और इधर से भी ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए। और ये है शंदली मस्जिद, आज शंदली मस्जिद के मंजर देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, आइए ये देखिए वजू खाने के सामने का मंजर देखिए। और भाई अस्सलाम वालेकुम, बढ़िया। तो ये देखिए वजू खाने की मंजर आज यहाँ पर कितना जाहिर है, किस तरह लोगों का वजू बना रहा है, ये देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पर भी तिरपल लगा हुआ था, देखिए अभी तिरपल हटा दिया, क्योंकि कल रात को बारिश हुई, तो बारिश में गीला हो गया, इसलिए तिरपल हटाया यहाँ पर। अभी खुली आसमान है, अभी यहाँ पर फुल धूप आएंगे, आज तो धूप है, लेकिन आज का आज भी बारिश हो सकता है, आज का भी बारिश का सोचना है मौसम विभाग से, आज भी बारिश पड़ सकता है अजमेर में। ये देखिए बाहर से आने जाने का 3 नंबर गेट लंगर खाना गेट। चलिए और आगे चलते बाहर की तरफ, देखिए आप लोग आज का मंजर कैसा है। ये बड़ी देग है, और आइए इधर देख लीजिए छोटी देग, ये देखिए छोटी देग है। अरे बुलंद दरवाजा के नीचे का चल फल देख लीजिए आप लोग, अभी आपको बुलंद दरवाजा के नीचे तज्जा शरीफ तैयार हो रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे, ज़ियारत करवाएंगे। आइए सुभान अल्लाह, ये देखिए तज्जा शरीफ तैयार हो रहा, कहाँ तक तैयार हो रहा वो भी, कहाँ तक तैयार हो चुका आप लोग देख लीजिए और ज़ियारत कीजिए। करके ले जा
आएंगे कोई? आइए देखिए, बाहर से आने जाने का दो नंबर गेट की मंजर आप लोग देख लीजिए। और ये देखिए आप अकबरी मस्जिद, और यहाँ पर तजिया शरीफ तैयार हो रहा है। आगे एक ही हो रहा है और एक इधर है, ये तजिया शरीफ तैयार हो रहा है। चलिए अब बाहर की तरफ चलते हैं, बाहर के भी मंजर आप लोग देख लीजिए। ये देखिए बाहर के मेन गेट निजाम गेट, ये देखिए निजाम गेट का मंजर देख लीजिए आप लोग, ये निजाम गेट के मंजर। और ये देखिए निजाम गेट से दरगाह बाजार की मंजर देखिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए और इधर की मंजर भी आप लोग देख लीजिए, जो नाला बाजार से मतलब जो रेलवे स्टेशन से आप आते हैं, रेलवे स्टेशन से आने जाने का जो रास्ता नाला बाजार की मंजर देख लीजिए। और इधर भी आप देख लीजिए, ढाई दिन के झोपड़ा तारागढ़ जाने वाला रास्ते की मंजर। और इधर ये देख लीजिए आप दरगाह बाजार, यानी ये रोड सीधा आपको जाते हैं आनासागर की तरफ, तो देखिए दरगाह बाजार की मंजर आज कैसा है ये देख लीजिए आप लोग। तो पूरी दरगाह बाजार है, तो आज के ब्लॉग मेरा दरगाह शरीफ के अंदर से था, इसलिए दरगाह बाजार और लंबा नहीं जाएंगे, आपको यहाँ से मेन गेट दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, ये देखिए दरगाह शरीफ का मेन गेट, इसी गेट से आपको ज़ियारत करवाते हैं, आज बाहर लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दे दीजिए हमें इजाज़त। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हुजूर गरीब नमाज की हाजिरी बहुत बहुत मुबारक हो।